हे गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। तो सभी को मेरी तरफ से गुड लक फॉर योर ICMR 2021 एग्ज़ाम, जो कि कल होने वाला है, यानी संडे को होने वाला है। तो अपना बेस्ट दीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक नॉर्मल सजेशन जो कि मैं हर एक एग्ज़ाम में देती हूँ आपको, कि पैनिक लेवल को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि पैनिक लेवल अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो वेरी ऑब्वियसली आता हुआ क्वेश्चन भी गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ICMR का लेवल आपको बहुत ईजी लगेगा, मतलब कि जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट को जो भी CA/NET का प्रिपरेशन करता है उसको ICMR का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि उसके कंपैरिजन में क्वेश्चन का लेवल एक्चुअल में थोड़ा सा एवरेज आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो कि आई थिंक शायद हम जो है मैक्सिमम टाइम इग्नोर कर चुके होते हैं। तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जो कि चांसेस हैं कि माइट भी आप आगे भूल सकते हो, तो पहले आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो भी छोटे मोटे से न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे कि हो गया आपके मेनली बायोस्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं या न्यूमेरिकल आते हैं, तो आप उन पे बाद में मूव ऑन कर सकते हैं। तो पहले कट श्योर उन क्वेश्चन को पहले सही कर लीजिएगा, या उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आते हैं। लेंथ में कुछ ज़्यादा आपको फर्क दिखेगा नहीं, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे वो पार्ट बी का हो, दोनों ही आपको जो है समहाउ लेंथी, लाइक लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो नॉर्मल ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट सारी चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने कितना अच्छा प्रिपरेशन किया है। तो अभी तो आई थिंक मैक्सिमम प्रिपरेशन हो गई थी, जितना भी आप कर सकते थे आई थिंक आपने कर लिया होगा। टीचिंग पाठशाला पे पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल थी ICMR एग्जाम का, जितना मैं अवेलेबल करवा सकती थी अपनी तरफ से। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने उन सब का भी यूटिलाइजेशन किया होगा, और रेगुलर वीडियोस भी जा रहे थे ICMR से रिलेटेड। ओके, तो ओवरऑल तो आई थिंक सबकी प्रिपरेशन हो चुकी है, और अब थोड़ा रिलैक्स रहिए, और कल आपका एग्जाम है। सो उसके लिए गुड लक मेरी तरफ से, गिव योर बेस्ट। और आप चाहें, और आपको अगर नेसेसरी, मतलब कि अगर आपको ज़रूरत फील हो, तो आप इस वीडियो के नीचे जो है दैट इज कमेंट सेक्शन में एग्जाम देने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वन सेकेंड, गुड लक फॉर योर एग्जाम, गिव योर बेस्ट एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।